मित्रों, परमेश्वर सदाशिव जो कि शिव, शंकर, रुद्र या महेश नहीं है, उनके तीन प्रकट रूपों में से प्रथम भगवान विष्णु के 24 अवतार माने गए हैं। उनमें से ही दो अवतार हैं नर और नारायण। हम जिन्हें नारायण कहते हैं वे विष्णु के अवतार हैं। उनका भजन भी आपने सुना होगा, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नर और नारायण की कहानी को जानना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं दो भाइयों के कारण धर्म और सत्य का भारत में विस्तार हुआ। अधिकतर लोग इनकी कथा को नहीं जानते और ऐसा माना जाता है कि ये विष्णु ही हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू टीवी चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार अवश्य लिखिएगा श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, अवतार का अर्थ किसी में विष्णु का अवतरण होना है। भगवान राम भी विष्णु के अवतार थे, लेकिन वे स्वयं विष्णु नहीं थे। वे भी ब्रह्मा और वशिष्ठ की अनुशंसा पर विष्णु के अवतार घोषित किए गए थे। अर्थात श्री राम एक माध्यम थे और भगवान विष्णु ने उनमें उतरकर लीला रची थी। अवतार का अर्थ किसी में किसी दूसरे का अवतरण होना है। हालांकि कुछ अवतारों में विष्णु स्वयं प्रकट हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतार इस प्रकार हैं: आदि पुरुष, 4 सनत कुमार, वराह, नारद, नर और नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, याज्ञ, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नृसिंह, हयग्रीव, वामन, परशुराम, व्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध और आने वाले कल्कि। भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म की पत्नी रुचि के माध्यम से श्रीहरि विष्णु ने नर और नारायण नाम के दो ऋषियों के रूप में अवतार लिया। जन्म लेते ही वे बद्री वन में तपस्या करने के लिए चले गए। उसी बद्री वन में आज बद्रिकाश्रम बना है। वही नर और नारायण नामक दो पहाड़ हैं। वहीं पास में केदारनाथ का पवित्र शिवलिंग है, जिसे नर और नारायण ने मिलकर स्थापित किया था। यह लगभग 8000 ईसा पूर्व की बात है। नर और नारायण की तपस्या से ही संसार में सुख और शांति का विस्तार हुआ। आज भी केदारनाथ और बद्रिकाश्रम में भगवान नर नारायण निरंतर तपस्या में रत रहते हैं। इन्होंने ही द्वापर में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लेकर लीला रची थी। एक बार नर और नारायण की तपस्या को देखकर देवराज इंद्र ने सोचा कि ये तप के द्वारा मेरे इंद्रासन को लेना चाहते हैं। ऐसे सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव, वसंत तथा अप्सराओं को भेजा। उन्होंने जाकर भगवान नर नारायण को अपनी नाना प्रकार की कलाओं के द्वारा तपस्या भंग करने का प्रयास किया, किंतु उनके ऊपर कामदेव तथा उनके सहयोगियों का कोई प्रभाव ना पड़ा। कामदेव, वसंत तथा अप्सराएं शाप के भय से थर थर कांपने लगे। उनकी यह दशा देखकर भगवान नर और नारायण ने कहा, तुम लोग मत डरो, हम प्रेम और प्रसन्नता से तुम लोगों का स्वागत करते हैं। भगवान नर और नारायण की अभय देने वाली वाणी को सुनकर काम अपने सहयोगियों के साथ अत्यंत लज्जित हुआ। उसने उनकी स्तुति करते हुए कहा, प्रभो, आप निर्विकार परम तत्व हैं। बड़े बड़े आत्मज्ञानी पुरुष आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से काम विजयी हो जाते हैं। हमारे ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। हमारी आपसे यही प्रार्थना है, आप देवादिदेव विष्णु हैं। कामदेव की स्तुति सुनकर भगवान नर नारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी योग माया के द्वारा एक अद्भुत लीला दिखाई। सभी लोगों ने देखा कि सुंदर सुंदर नारियां नर और नारायण की सेवा कर रही हैं। नर नारायण ने कहा, तुम इन स्त्रियों में से किसी एक को मांगकर स्वर्ग में ले जा सकते हो। वह स्वर्ग के लिए भूषण स्वरूप होगी। उनकी आज्ञा मानकर कामदेव ने अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को लेकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। उसने देव सभा में जाकर भगवान नर और नारायण की अतुलित महिमा के बारे में सबसे कहा, जिसे सुनकर देवराज इंद्र चकित और भयभीत हो गए। इंद्र को श्री नर और नारायण के प्रति अपनी दुर्भावना और दुष्कृति पर विशेष पश्चाताप हुआ। मित्रों, महाभारत के अनुसार केदारनाथ और बद्री वन में भी नर नारायण ने घोर तपस्या की थी, इसीलिए यह स्थान मूलतः इन दो ऋषियों का स्थान है। दोनों ने केदारनाथ में शिवलिंग और बद्रिकाश्रम में विष्णु के विग्रह रूप की स्थापना की थी। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा शिव पुराण में तब आती है जब नर और नारायण शिव की आराधना कर रहे होते हैं।
भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए दोनों कहते हैं कि हे शिव, आप हमारी पूजा को ग्रहण करें। नर और नारायण के पूजा आग्रह पर भगवान शिव स्वयं उस पार्थिव लिंग में आते हैं। इस तरह पार्थिव लिंग के पूजन में वक्त गुजरता जाता है। एक दिन भगवान शिव खुश होते हैं और नर व नारायण के सामने प्रकट होकर कहते हैं कि वो उनकी आराधना से बेहद खुश हैं, इसीलिए वे वर मांगे। नर और नारायण कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो लोक कल्याण के लिए कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि कहो, क्या कहना चाहते हो। इस पर नर और नारायण कहते हैं कि जिस पार्थिव लिंग में हमने आपकी पूजा की है, उस लिंग में आप स्वयं निवास कीजिए, ताकि आपके दर्शन मात्र से लोगों का कष्ट दूर हो जाए। दोनों भाइयों के अनुरोध से भगवान शिव और प्रसन्न हो जाते हैं और केदारनाथ के इस तीर्थ में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगते हैं। इस तरह केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति होती है। महाभारत के अनुसार पाप से मुक्त होने के बाद केदारेश्वर में स्थित ज्योतिर्लिंग के आसपास मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने हाथ से किया था। बाद में इसका दोबारा निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इसके बाद राजा भोज ने यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। मित्रों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक एक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा।